मसीह खुदावंद में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले मेरी तरफ से लववर्ड मीडिया की जानिब से और हमारे नहायत ही मोहतरम पास्टर पास्टर क्रिस की जानिब से आप सबको ईस्टर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज की ये ईद हमारे लिए बहुत बड़ी ईद है, जिसमें हमारे खुदावंद मनजीए दो आलम ने मौत पर फतह पाई और हमें हमारे गनाहों से कफारा बख्शा और हमारा बाप से मेल करवा दिया। ये ईद पूरी कायनात के कफारे का सबब बनी, जिसमें खलकत जो दर्द जख्म कराती थी उसको आज़ादी मिली और हमारे खुदावंद ने कहा, ए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। आप अपने तजर्बात से सीखते होंगे और सीखते रहेंगे कि देखें खुदावंद यीशु मसीह की तलीम कैसी यूनिवर्सल तलीम है और माफ़ी फरोतनी और हलीमी की तालीम ही हर दौर में हमारे खुदा को पसंद आई है और उसने ये हमें इस दुनिया में आकर इंसानी जिस्म लेकर सिखाया कि कैसे एक दूसरे को माफ़ करें। और उसने हर उस शख्स को माफ़ किया जिसने उसके मुंह पर थूका, जिसने उसके सर पर कांटों का ताज रखा, जिसने उसको सलीब पर कीलों से जड़ा, जिसने उसके नौरानी जिस्म पर कोड़े मारे। उसने हर उस जुल्म करने वाले शख्स को यह कहकर माफ़ कर दिया कि ए बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वाह, वो कैसा अजीम उस्ताद था जिसने खाल के कायनात होते हुए अपने शगिर्दों के पांव तक धोए और खुद हलीमी और फरोतनी का सबक हमें नमूने से सिखाया। आज के इस दौर में भी हमारी कलीसिया तरह तरह के दुख उठाती है और तरह तरह के मुजालम का शिकार है। आए खुदावंद यीशु मसीह के इस नमूने पर कारबंद रहते हुए एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे को माफ़ करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को पूरा करें और उसे दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। मेरी तरफ से एक मरतबा फिर आप सबको खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना बहुत बहुत मुबारक। हालेलुया।